सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अवरा रूप गांव के बाहर एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस दौरान दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और युवक का नाजुक अंग ईंट से कुचल डाला। रविवार को शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर SSP जोगेंद्र कुमार, SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, CO खजनी योगेंद्र कृष्ण नारायण और फॉरेंसिक जांच टीम पहुंची। पुलिस छानबीन में जुट गई है। आपको बता दें कि सिकरीगंज थाना क्षेत्र के अवरा रूप गांव निवासी 22 वर्षीय सुरजीत पुत्र लक्ष्मीकांत अपने घर से शनिवार की शाम 4:30 बजे निकला था। देर रात तक वापस ना लौटने पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चला। वहीं रविवार को गांव के बाहर उसका शव मिलने पर सनसनी फैल गई। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आशनाई का सामने आ रहा है। आशंका है कि सुरजीत की हत्या के बाद शव को लाकर खेत में फेंका गया है। घटना की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, अरे भाई प्रशासन आ रही है, काहे परेशान हो भैया, 2 मिनट और रुक जा प्रशासन। किनारे हो आ गए सर, आ गए हो। हटा दे भाई, सब ऊपर जो छुपुर रेंग रही है, हां झाड़ दे भाई। दीपेंद्र उसको भी आ जाओ, चलो क्या बात है, और चलो भैया आप आ रहे बात को उसमें सोचना थोड़ी, उसमें भाई तुम्हारे जो क्वालिटी है बाबू साहब से नहीं बात है, क्वालिटी तुम्हारी बात हुई है।
होती है जिसकी होती है बता दो कुछ किसकी होती है तेरी होती है तेरी बहन की किसकी बता उसके बाद कोर्ट लेके जाओ और पकड़ो क्या मतलब ठीक है ना इट इज़ नॉट दैट की और बॉडी जिसके नाम से सिम उसको उठा लो थोड़ा गया डब्बा ठीक उठा कौन ले साथ में कौन ले जाओ किसको ले जाओ। थाना सीकरीगंज में आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर थाना पे की एक डेड बॉडी तालाब में पड़ी हुई है तो थाने की पुलिस फोर्स गई थी और वहाँ पे देखा गया तो इससे मृतक की शिनाख्त हुई वो सुरजीत है जो हवरा रूप गांव का रहने वाला है जिसकी उम्र लगभग 22 साल है और उसे की हत्या के कारण का पता लगाने के लिए प्रयास किया गया उसके मोबाइल नंबर और CDR इससे अवलोकन किया गया उससे देखा गया उसकी एनालिसिस करके तो उससे पता चला कि उसके गांव के बगल का गांव जो है एक बरोही गांव है वहां का दीपेंद्र उर्फ सिंटू जो है वो उसमें उसकी वार्तालाप हुई है और उस वार्तालाप में उस दीपेंद्र का उस जो मृतक है उसकी बहन से बातचीत होना पाया गया है और ये जो है मृतक को नापसंद थी इस बात का कि इस तरह का वो उसकी बहन से बात ना किया करे इसकी उलाहना करता रहता था और उसी में उसको बुरा लगता था और आज कल शाम को उसके द्वारा बुलाया गया और फिर बुलाने के बाद जैसा कि वो बता रहा है खुद भी कि बुलाने के बाद उसने पहले उसे डंडे से पीटा और डंडे के मारने के बाद फिर हसीये से उसका गर्दन काट दिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है और उससे जो उसकी निशादेही पे आला कत्ल की भी बरामदगी कर ली गई है।